से अनुकूल आप जी सतगुरां ने वण देने है। मैं तो केवल एक चिन्ह है, वह भी आंदे आंदे मैं देर हो गई। दरबार के होर बड़े काम हैं जड़े लैके बह जाते हैं। इस संसार दे विच ये पलटा पलटी जो हो रही है होनी है उसका ना थानू अंदाजा है तो ना असं अंदाजा लगा सकते हैं। यह जरूर कह देंगा कि बहुत कुछ हो जाना है और बहुत कुछ अजिहा हो जाना है कि किसी को कुछ लभना है किसी ने नहीं लभना। ये पात्र केवल वह हो गए जे सच और सुच का मुजस्म हो गए, जड़े झूठ और झूठ से जाएंगे उन्हां दी मैं कोई गरंटी नहीं कर रहा और ना ही मैनूं हुक्म है उन्हां बारे कुछ कहा। सच और सुच ये दो चीज़ों ते सारी चीज़ निर्भर होनी है। ये दरबार जड़ा है इसका पैटर्न भी सच और सुच ते होना है। जे असीं कहांगे कि सच और सुच बगैर असीं कुछ कर लईए तो माफ करना नहीं हो सकेगा। और इतों आज तक इस दरबार का अमर जाता रहा है उन्होंने जगह पर जो अनडिजायरेबल हैं, और यह अमर तो कितने नहीं काम करेगा जेडे सच और सोच के मुजस्म नहीं होंगे। यह जी अवस्था है यह मैं आप जी नक्शल दस रहा, ये पिछे बड़ा राज है, इसके पिछे बड़ा भेद है। महाराज गुरु नानक साहब की सिखी ने इस अवस्था को लिया वास्ते बहुत कुरबानियां कीतिया, 8-9 कुरबानियां कीतिया जिन्हों का कि वर्णन थोड़ा सारे पता है, और सी नहीं की शीस कटांद्या शहीदियां ऐं देतियां जिवें कि बस कोई चीज ही ने असी उन्हां दा रहम अज तक जायज़ और नजायज़ अवस्था दे नाल पांदे रहे हाँ। लेकिन हुण अवस्था ऐसी आ गई है कि सच और सुच के बिना चीज़ नहीं चलनी नहीं चलनी नहीं चलनी। संसार दे विच जब तो ये संसार बनया है इतना कलेश और कल जो कदी नहीं आया संसार से। यह समा एक मिसाल के तौर पर इसका नाम लिया जाएगा कि इस समय के बड़ा कुछ अनर्थ हो गया, और जो अनर्थ करने वाले हैं उन्होंने भुगतान तो करने ही हैं, और भुगतान भी अजे हो गए जेडे कि युगों युग चलन गए, और हर युग के एहसास होएगा कि मैं यह किया मैं यह किया मैं यह किया। लेकिन पूछी नहीं जाएगी। महाराज के हुक्म अनुसार नजर अपुठी जे करे सुल्ताना काय खलाइंदा दर मंगन पेख ना पाइंदा दर मंगन पेख ना पाइंदा, इन्हें कह सकदा उकलेश खत्म होने शुरू हो गए, स्लैश होने शुरू हो गए और समा निखरना शुरू हो गया। जो कलेश मेरे उत्ते इन्ना गहर गंभीर था उसनू साफ करता महाराज ने, ते होर जेड़े सच सुच दे पुजारी हैं उन्हां दे भी कलेश इस तरह दूर किए जाएंगे बशर्ते कि वह सच्चे पातशाह दे चरणा दे नाल जुड़े रहेंगे। और ओ इस संसार की रेस में नित्र जाएंगे जिहड़े सच्चे पातशाह दे चरणा दे नाल ध्यान रख के उन्हां दा नाम जपणगे। धन गुरु नानक जय बाबे जी, धन गुरु नानक जय बाबे जी। इस वेले साहब श्री गुरु नानक देव जी सारी फलवाड़ी जिहड़ी है वह इस ते कम कर रही है, और मैं उन्हां दा रेणी है
और उन्होंने बचना तो रहनी है और उन्होंने संगत जी इस पास चल पी है उन्होंने भी रहनी है। इस दरबार जो बचना का सिलसिला होया करता सी वह मेरा ख्याल है घटता दिसदा है, केवल नजर नाल जिन्हां ते मन की अवस्था सच और सुच की होगी नज़र उत्थे पकड़ कर जाएगी, जिन्हां की अवस्था सच और सुच की नहीं होगी उत्थे पकड़ नहीं करेगी। रहम की अवस्था चाहे रहम कर सकते हैं लेकिन वह गिफ्ट विच नहीं आएगी, क्यों इस संसार दे विच जो प्राणी आता है उसका यह पहला फर्ज हो जाता है कि वह किसी दुखी नू सुख बचा सके। सुख वही पचा सकता है जिस उत्ते नजर है, मिठे बोल जरूर बोलेगा लेकिन सुख नहीं पचा सकेगा। इसलिए सानू नाम जड़ा है इस दी बहुत ही लोड़ है और इस नाम दे विच सानू गदास होने की भी लोड़ है और बहुत घट स्थान ऐसे होंगे जेड़े के अवस्था वाले होंगे जेड़े झूठ मूठ अवस्था रखते हैं उन्हां स्थानां ने फैलना ने उन्हां सिकुड़ जाना है। ये अवस्था जेड़ी है ये शुरू है, सो असी सारे मैं तो यही पुरजोर कह जोर ना कह सकता कि सत्संग जी सिमरन करो सिमरन करो, जेड़ा अपना स्लोगन है ही, क्योंकि असी जो दुनियावी क्रिएचर हाँ साड़ी जेड़ी बोली है शैली है वो जेड़े हरफ भी है जेड़े सुचे हैं वो थोड़े होंगे, जेड़े झूठे लफ्ज होंगे ने बहुत होंगे, झूठ फूठ वाले बहुत लफ्ज बोल जाते हैं लेकिन सच और सुच वाले हरफ दो ही होंगे, हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ भले हार है उन्होंने तो। सो अपने आप नू असी सोध लीए और जड़ी संगत बैठी है जी डेरा साहब तो खुशियां लैके आई है और जेड़े इत्थे खुशियां दे पात्र हैं मैं उन्होंने सब नू बधाई दिना, ये सब गुप्त हो रहा है। इस संसार दे विच बहुत सारी ऐसी रचना रची हुई है करतार ने जिहड़ी दुबले चलती है इधर भी उधर भी उधर, माफ करना उन्हां दा कुछ नहीं बनना, दुबले दुबदा वालिआं दा कुछ नहीं बनना रह जाना उन्हां ने, सो दुबदा छड्ड के एक पासे हो जाओ और अपने आप नूं उस रंग दे विच रंग रहो जिहड़ा कि उसका अपना रंग मजीठ है। मैं थले बैठा लेट हुंदा जा रहा सी, कोई दरबार का काम सी उहदे बारे सेवा सेवादार लगे हुए सी, फिर मैं उन्होंने बेनती कर दिया कि सेवादार हो अपने मन की ना करना कदी, अपने मन की ना करना कुदरत कर कोई लिहाज नहीं, जो गुरु नूं पाउंदा है उही करो, सच्चा सुच गुरु साहब नूं बड़ी पाउंदी है, गुरु बाबा जी का नौ लो और जाप करो उन्होंने धन गुरु नानक दे जाप करो देखो तुसीं कित्थे पहुंच गए हो, अवस्था भी बढ़ती है कारोबार भी बढ़ते हैं जिहड़े संसारिक कमियां वह भी घटदी हैं और मन की जिहड़ी अवस्था है वह सच वल तुर पैंदी है तो असीं बहुत कुछ हासिल कर लैने आ। सो ये शब्द मैं आप जी नूं कहन वास्ते बड़ा बेताब सां, हालांकि मेरे च इतनी ताकत नहीं है जे कि मैं आ सकां,
तो बिल्डअप हुंदी हुंदी टाइम लगता ही है, पर फिर भी मैं आ गया थोड़े विच बैठा और थानू एक खुशखबरी भी देना कि मेरे ते बड़ी रहमत हुई है और इस रहम लियाण वास्ते तुसी भी पात्र हो। क्यों? थोड़े जड़े संदेश, थोड़िया जोदड़िया, थोड़िया बेनतियां, थोड़िया अरदासा जड़िया उस साहबां दे चरणां सब पहुंच चुके हैं। सो मैं आप जी का बड़ा धन्यवादी हाँ, बड़ा रेनी हाँ और हुण साडे जिहड़े समागम हन वो बड़ी तेजी नाल नेड़े आ रहे हैं। चौदह तरीक नूं विसाखी है, चौदह तरीक नूं विसाखी है और अखंड पाठ 21 रखे जाएंगे 12 अप्रैल तो 14 अप्रैल तक। 12 अप्रैल नूं मंगलवार है और 14 अप्रैल नूं वीरवार है भोग पै जाएंगे और निशान साहब दे बस्तर चेंज किए जाएंगे। और दूसरा दरबार 3 अप्रैल और 10 अप्रैल का है। ये दरबार लगनगे जिवें हर दरबार लगते हैं और मैं तो बेनती करांगा अपने महाज वास्ते नहीं थोड़े महाज वास्ते कि तुसी ये दरबार जरूर अटेंड कर लेना। इस बहाने दे नाल थोड़ा सिमरन भी बढ़ जाएगा, इस बहाने दे नाल थोड़े जड़े कदम है ये भी दरबार वल भरे जाएंगे तो लाभ भी काफ़ी होएगा। पंजे का प्रसाद जोड़ा है वह असी पताशिया मिला के दे रहे हैं, वो प्रसाद जोड़ा तुम जाओ तिल फुल मिलता है वह सारे बन के खाओ घर के बड़ी बरकत है, बड़ा लाभ है। और कोट गरेवाल की यात्रा बारे मैं समझना शायद असी 3 तरीक वाले ऐतवार को कुछ गिनती मिती कर सकांगे। कोट वाली संगत मिली सी लेकिन मेरी तो बहुत ही तबीयत ठीक ना होने करके थानू पता मैं किसी मिलिया नहीं और ना ही मैं मिलदा, मिलन दे नाल मेरे दुख कटणगे नहीं मिलन दे नाल दुख वधणगे, लेकिन फिर भी मैं नहीं मिल रहा। क्यों? कि जिसने मन दे विच खुशी नहीं होंदी ते शुभ वचन नहीं कर सकते हैं। शुभ वचन तदे होंदे हन जिसे मन खिड़िया होवे। सो साडे लोकां नूं हर पासों डर लगता रहिंदा। सो ये जिहड़ी अवस्था है इस नूं कोशिश करांगे किसी नूं करन तरह इत्थे काबू पाया जाए। हुण असीं 14 अप्रैल वास्ते जो कुछ प्रबंध करने हन उन्हां ते चल रहे हां और तुसीं जिन्हां पाठ करने हन पाठी वह भी अपनियां हुण तो ड्यूटियां ला लो ते तुसीं उन्हां वो पाठ करने हन ते उस वेले कुछ अलाही रहम होर जास्ती होना है। ये रहम जिहड़े होया करदे हन ये इन ड्रिबलेट्स होया करते हैं, छोटे छोटे किश्तों में होया करते हैं, क्योंकि एकदम जो रहम होया हो सकता शरीर फट जाए आत्मा ना संभाल सके होर बहुत नुकसान हो सकते हैं। सो ये हौली हौली मिलया करते हैं और हौली हौली मिलने चाहिए है और इन्हें बहुत रहम और कर्म होया करता है। समैर जी नूं इन्ना ही कुछ कहना है ते बाकी आपां जो कुछ तीन तरीक नूं जिहड़ा इतवार है उस ते सोचांगे की कहना है, हुकम लवांगे महाराज जी की लैणा है। मैं देखदा कि असीं अजे परसों चौथे आए हां
और इन्हें परसों चौथे दे विच किन्नियां ते रहमत हो गई है, किन्नियां नूं खुशी मिली है। मैं उन्हां सभनों नूं बधाई दिंदा इह बाबा जी की अपनी रहम करम आप जी उत्ते वरस रहा है। जड़ी रहम है वो देख के नहीं आती, उसके आमद का जरा चोली भरपूर होने का एक म्यार दसया गया है। सो साड़ियाँ चोलियाँ भर रही हैं, मैं खुश हाँ, थोड़ा जा खुश नहीं बहुत खुश हाँ, और मैं जिनी सेवा कर सकांगा मैं जरूर करांगा, और मैं महाराज जो हुक्म होंगे उन्होंने जरूर मनांगा और उन्होंने हुक्म अनुसार चलांगा। अभी सारा दिन ये नहीं रहने ये बदलने होने, सो मैं आप जी प्यार भाई फतेह बुलावा तो कीर्तन जथा अपना शब्द पूरा कर लैन। ये अनाउंसमेंट मैं बहुत जरूरी लगती सी तो मेरा हिरदा हल्का हो गया, तो तुम हम अपना शब्द की पूरा कर लो, पूरा करके तो भोग पा दियो और 3 तरीक वास्ते तैयार हो के आओ। और इस दौरान दे विच काफ़ी रहम सतगुरां दा जिहड़ा उन्हें बख्शिश की है वह दिसेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।